नमस्कार। आज हम लोग BSc UGZY 103 के सेल बायोलॉजी जो ब्लॉक 2 है उसमें यूनिट 4 में माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर में हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो ब्लॉक 2 है, जैसे हमने बताया कि इसमें डेफिनेशन और हिस्ट्री, सेल बायोलॉजी का पार्ट, माइक्रोस्कोपी और प्रिंसिपल्स ऑफ फिक्सेशन और ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानकारी लेनी थी। माइक्रोस्कोपी के पार्ट में अगर हम लोग देखें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहला माइक्रोस्कोप डेवलप किया था एंड उसमें उन्होंने जो कॉर्क सेल है उसके सेल्स को देखा था जो हेक्सागोनल ब्लॉक्स की तरह दिख रहे थे। अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोगों के पास ईश्वर ने आईज दिए हुए, आंखें दी हुई हैं और इन आईज में राड और कोन दो सेल्स होते हैं जो 5 माइक्रॉन अपार्ट होते हैं एक दूसरे से 5 माइक्रॉन पे। जो रॉड सेल्स है वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो कोन सेल्स है वो कलर वेरिएशंस या डिटेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। इन्हीं दोनों से हम जो या हमारी जो आईज है, ह्यूमन की आईज, वो चीज़ों को देखती है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि जो इनकी क्षमता है वो अगर हम आई का डिस्टेंस देखें, कैलकुलेशन देखें 5 माइक्रॉन अपार्ट की वजह से, तो इस तरह से आया है कि 25 सेंटीमीटर से पास से अगर कोई चीज़ें हो तो वो हमें ब्लर्ड दिखेंगी और जो रिजॉल्विंग पावर है वो हमारी वैरी करती है। तो इसको देखने के लिए, एक हाई रेजोल्यूशन से देखने के लिए ज़रूरत पड़ी कि हमें कोई एक ऐसा टूल्स डेवलप किया जाए। उस आधार पे माइक्रोस्कोप की खोज की गई और ये आ गया। तो मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, अपराइट माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, स्टीरियो जूम या स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स, और जो लाइट पे बेस्ड अगर हम माइक्रोस्कोप्स को देखें तो हमारे पास ब्राइट फील्ड्स माइक्रोस्कोप आएंगे, डार्क फील्ड आएंगे, फेज कंट्रास्ट आएंगे, फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोप आएंगे, और अगर लाइट सोर्स के अलावा अगर हम लाइट सोर्स चेंज करें, इलेक्ट्रॉन्स को लें सोर्स के तौर पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आती है और यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बातें करेंगे। अगर हम इन सभी माइक्रोस्कोप्स को देखें कि क्यों ज़रूरत पड़ी, एक ब्राइट फील्ड ही क्यों नहीं सफिशियंट था, तो उस आधार पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स को। तो ये लिस्ट है, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, फ्लूरोसेंस, अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट और फ्लूरोसेंस है, अगर आप इसमें देखें तो इनका जो मैक्सिमम लिमिट है सभी में 1500 है, क्योंकि जब हम रेजोल्यूशन लेते हैं तो रेजोल्यूशन का जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर r n sin थीटा। तो जो लैम्डा है दैट इज द वेव लेंथ, वो वेरी करेगी ब्राइट फील्ड में, बाकी जो हमारा विजिबल रेंज का लाइट है और अल्ट्रावायलेट उससे कम वेव लेंथ का है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी अल्ट्रावायलेट की जो वेव लेंथ है वो चेंज हो गई, इस वजह से इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं जिससे उसकी वेवलेंथ और ज़्यादा वेरी करती है, इस वजह से यहाँ पे 5 लैक्स टू 10 लैक्स या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में 1000 टाइम्स से लेके 10 लैक्स टाइम्स तक का भी हम मैग्निफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम रेजोल्यूशन देखें तो रेजोल्यूशन 100 से 200 नैनोमीटर रहती है और अल्ट्रावायलेट में चूंकि लिमिट है, फिक्स्ड है यूवी रेज का, यहाँ पे वेवलेंथ वेरी कर रही है वेवगॉर की वजह से, तो यहाँ पे 100 और 10 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में 100 से 200 नैनोमीटर, स्कैनिंग में हम 1 नैनोमीटर तक का भी रेजोल्यूशंस अचीव कर लेते हैं। हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का एक स्ट्रक्चर देखें कि किस तरह इसकी डिज़ाइन है, तो ये एक अपराइट
माइक्रोस्कोप है, बेस पे हम यहाँ पे लेंस या जो इल्यूमिनेशन का लगाते हैं आजकल हम लोग आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं या आप लेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ से कंडेंसर के पास लाइट जाती है जिसको कि हम डायफ्राम के मदद से उसको लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई अपना सूटेबल फिल्टर्स भी लगा सकते हैं और लाइट हमें स्टेज पे जो हमारा ऑब्जेक्ट्स या स्लाइड्स या जो भी रखा हुआ वो उसको इल्यूमिनेट करेगा और उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कई तरह के होते हैं, विल सी नेक्स्ट स्लाइड। और फिर ऊपर एक ट्यूब लेंथ होती है, वो ट्यूब लेंथ डिसाइड करेगी हमारी माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ को भी। और वहाँ पे फिर आईपीसेस लगे होते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्राइनाकुलर माइक्रोस्कोप दिया हुआ है जिसमें हम ऊपर एक कैमरा भी माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सो दैट कि हम उसकी डिजिटल इमेज भी ले लें। जो मैग्नीफिकेशन है, जैसे हमने बताया कि मैग्नीफिकेशन कैसे अचीव करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस और इंटरमीडिएट फैक्टर। इंटरमीडिएट फैक्टर यहाँ पे हमने जैसे बताया कि इन्वायरमेंट है, लिक्विड है, ऑयल है, वाटर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वैरी करता है। सपोज अगर हम मैक्सिमम अचीव कर रहे हैं जैसे 1500 टाइम्स का किया, तो हमारा अगर आईपीएस 15x का है, मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव है हमारा 100x का है, और ऑयल और ग्लास दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो 1.5 है, तो उस वजह से मैक्सिमम जो हमारा अचीव होगा वो 1500 होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स हमने दिया है कि ऑब्जेक्टिव अगर 60x का ले रहे हैं, आईपीसी सपोज 10x का है और इंटरमीडिएट फैक्स जो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए, ग्लास के लिए अगर 1 है, तो हम 600 टाइम्स ही देख पाएंगे। तो मैक्सिमम हम 1500 देख सकते हैं, लोएस्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। उसी तरह ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो लेंसेज है वो वैरी करेंगे। यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इमेज के द्वारा हमने यहाँ पे देखा, जो न्यूमेरिकल अपर्चर है और जो एब्रेशंस है जिसको हमने करेक्शन किया है वो, ट्यूब लेंथ, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, अगर हम जैसे हमने बताया कि अगर हमें रेजोल्यूशन अचीव करना है तो दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है जिसको कि हम सेपरेट कर सकते हैं, वो पॉइंट उसका रेजोल्यूशन कहलाएगा। मीन्स कि अगर दो डॉट हमने लगाया है, जहाँ तक जिस लेवल तक हम उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि ये दोनों सेपरेटेड है, वो उसका रिजॉल्विंग पावर हो गया। रिजॉल्विंग पावर के लिए चूँकि जो फॉर्मूला है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर या एन साइन थीटा, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर अगर हम वैरी करें, सपोज 0.12 करें, 3.4 करें, 8.7 करें, तो उस हिसाब से हम जो रेजोल्यूशन है उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ कि वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द रेजोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडेंसर लेंस, डिक्रीजिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपर्चर, डिक्रीजिंग द वर्किंग डिस्टेंस फ्रॉम सैम्पल टू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो उसको करेंगे। अगर हम रेजोल्यूशन का देखें तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ही डिस्क दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच रिजॉल्व और क्लोज होने पे भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमने यहाँ पे जैसे ब्लर्ड इमेज है, ये थोड़ा सा हमने और रिजॉल्व किया और फाइनली ज़्यादा, तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल अपर्चर था 0.20, 0.79 और 1.30 तक, तो जितना हमने बढ़ाया उस हिसाब से हमारा रेजोल्यूशंस बढ़ गया और जो इमेज हमें मिली दैट इज द बेटर देन प्रीवियस वंस। क्या डिफरेंस है अगर हम ब्राइट फील्ड जो लाइट माइक्रोस्कोप्स है उसमें, सिंपल से अगर हम स्टीरियो जूम पे जाएं, तो जूमिंग जो हम करते हैं उसमें
हमने रेड मार्क से शो किया हुआ है मेन डिफरेंसेस के लिए कि जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स है उसमें दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव्स हम यूज करते हैं, जबकि लाइट में हम एट ए टाइम सिंगल ऑब्जेक्टिव ही यूज करते हैं। ये शॉर्ट वर्किंग डिस्टेंस पे होती है जबकि यहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस पे है। लॉन्गर डिस्टेंस होने की वजह से हम ह्यूज सैंपल, बड़े सैंपल्स या लाइफ या कोई इंसेक्ट्स या बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी हम देख सकते हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप्स में हमें थिन सेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैग्नीफिकेशन लो होता है कंपेरेटिवली लाइट जो माइक्रोस्कोप्स है, इसमें मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि 1500 तक भी जा सकते हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह से इनके ऑब्जेक्टिव्स आती है। यहाँ पे बस ये जो फोकसिंग जूमिंग लेंसेस है ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। ब्राइट फील्ड के बाद जो दूसरा माइक्रोस्कोप्स आता है जिसका सोर्स ऑफ लाइट है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आया, सपोज कोई डार्क रूम है और डार्क रूम में वैसे हमें कोई चीज़ नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट हमारी आइज पे आती है, फिर रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट पे जाती है और फिर हम उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर डार्क ऑब्जेक्ट है तो लाइट रिफ्लेक्ट वापस नहीं जा रही है, हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर डार्क रूम में कोई पिन होल हो या कोई विंडो ऐसा हो छोटा जहाँ से कि लाइट अंदर की तरफ आ रही हो, तो हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किए हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल भी अगर वहाँ पे है रूम में तो वो भी उस लाइट बीम में साफ दिख जाता है। दैट वॉज द प्रिंसिपल बिहाइंड डेवलपिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंडेंसर लेंस है उसको बीच से हमने ओपेक कर दिया या ख़राब कर दिया, तो जो लाइट इमिट होगी वो क्या करेगी, साइड से जाएगी। तो लाइट साइड से जैसे ही जाएगी ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है स्टेज पे वो उसको क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा। इल्यूमिनेशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट ग्लो करेगा और जो चीज़ ब्राइट फील्ड में नहीं दिख पा रही थी साफ, वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हमें बहुत अच्छे से इल्यूमिनेटेड वे में दिखेगी। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ पे तीन फेजेस लिए हुए हैं। पहले फेज में ये इमेज है ब्लर्ड, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसी को डार्क फील्ड में देखें तो हमको हल्का सा लाइट या वेव स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही। सेकेंड फेज में ये हमें वेव दिख रहा है, ये मकड़ी के जाले उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और थर्ड में हमने और उसका फाइन स्ट्रक्चर्स देखा। तो ये डार्क फील्ड के एडवांटेज हैं। अगर हम फेज कंट्रास्ट देखें, नेक्स्ट जो माइक्रोस्कोप से लाइव ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए जहाँ पे अभी ब्राइट फील्ड वगैरह में हम लोग स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग करने के लिए हमें डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाइव नहीं रहेगा, वो डेड पार्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कोई लाइव मूवमेंट देखना है, किसी ऑर्गेनिजम्स का मोटेलिटी स्टडी करनी है, सिंगल सेल्ड है उसको देखना है, पैरामिशियम देखना है, अमीबा देखनी है, तो हम वहाँ पर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स को यूज कर सकते हैं। फेस कंट्रास्ट को फ्रेडरिक जर्निक ने इजाद किया था, आविष्कार किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो लाइट वेव है अगर हम उस लाइट वेव को इस तरह से शिफ्ट कर दें फेस में कि वो एक पर्टिकुलर इमेज पे, सपोज क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, इसमें प्रोटीन्स लेयर है, लिपिड लेयर्स है और डिफरेंट और बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो अगर कोई लाइट जा रही है तो कितना वो आ रही है और फिर कितना रिफ्लेक्ट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो वेरी करेगी बायोमॉलिक्यूल टू बायोमॉलिक्यूल या एक स्ट्रक्चर से दूसरे। तो लेकिन अगर हम फेस कंट्रास्ट यूज करते हैं तो जितनी लाइट आ रही है वो उसको इक्वलाइज कर लेगा, और इक्वलाइज करने के बाद जो वो इमेज बनाएगा वो हम फेस कंट्रास्ट में देख सकते हैं। इस वजह से फेस कंट्रास्ट में हम कलर इमेजेस नहीं देख पाएंगे क्योंकि फेस की वजह से वो चेंज हो गया। तो लाइव में हमें ये इमेज देखने को मिल रही थी और फेस कंट्रास्ट में ये हमें बहुत अच्छे से इमेज फॉर्म होके देखने को मिला। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग एक एनुलर फेस प्लेट लगाते हैं जो कि वेवलेंथ को रिटार्ड करता है या इन्हेंस करता है,
और उसी प्रॉपर्टीज की वजह से हमें इमेज देखने को मिलती है। जैसे हमने बताया था कि वेवलेंथ्स जो आ रही है ये अलग अलग होंगी, तो इन्हीं को जो फेज हमारा डायफ्राम है उसकी वजह से हम उसको इक्वलाइज करके एक प्लेन पे ले आएंगे, और जो एक आउटपुट फाइनल शिफ्टिंग की वजह से मिलेगा वही लाइट हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो माइक्रोस्कोप है दैट इज द फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मटेरियल उसको बोलते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद कुछ लाइट या एनर्जी को वो यूज कर ले और बाकी को इमिट करे। तो जो वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ हाई मतलब कि उसकी एनर्जी लेवल लो है, और वेवलेंथ लो मतलब एनर्जी लेवल हाई है। तो अगर कोई वेवलेंथ की लाइट कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब किया और बाकी इमिट किया। तो हमारी आइज जो है वो सिर्फ विजिबल लेंथ ऑफ लाइट देख सकती है। तो अगर हमने यूवी लाइट जिसकी हाई एनर्जी है लो वेवलेंथ है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वो पड़ती है तो कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी वो अपने से हायर वेवलेंथ मतलब लो एनर्जी की लाइट को करेगा। और वो इस तरह से हम सेट करते हैं कि वो विजिबल लेंथ में लाइट को इमिट करे। तो विजिबल लेंथ में आने की वजह से वो हमारी आइज को दिख जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है फ्लोरोसेंस का। तो बहुत सारे फ्लोरोसेंस मटेरियल हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अगले वेवलेंथ जो विजिबल रेंज है उसमें इमिट करते हैं और उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बैरियर और इमिशन फिल्टर, डायक्रोमेटिक फिल्टर्स, कुछ फिल्टर्स हम लोग स्पेशल यूज करते हैं जो कि करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें उस रेंज की लाइट को इमिट करना है तो हम यहाँ पे साधारण लैंप न यूज करके मर्करी वेपर लैंप यूज करते हैं। लाइट जैसे ही यहाँ पे पड़ी वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा और वो जैसे रिफ्लेक्ट करेगी तो जनरेट करने के बाद वो कुछ एब्जॉर्ब करेगी और फिर नेक्स्ट लाइट करेगी जो फ्लोरोसेंस लाइट होगी, हमें स्पेसिमेन पे देखने को मिलेगी। अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स या ब्राइट जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं देखें तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उन्हीं लिमिटेशंस को देखते हुए ही जो नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोप्स है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वो डेवलप करने की बात आई। तो क्या लिमिटेशंस है जो ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोप्स है, इसमें हम इमेजेस को डार्क या स्ट्रांगली जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है केवल उन्हीं को देख सकते हैं। दूसरा जो रिजोल्यूशन है लैम्डा पे ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करता है। तो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर जैसा होगा और जो इन्वायरमेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना उसको अलाउ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम बहुत हाई रेजोल्यूशंस नहीं देख पाते। जैसे हमने टेबल में कंपेयर करके दिखाया कि 100 से 200 नैनोमीटर तक का रेजोल्यूशन हम अचीव कर पा रहे हैं। तो ये लिमिटेशंस थे जिसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डेवलप करने की बात आई। अगर हम डेट वाइज देखें तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है उसको नोल और रस्का जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे 1931 में दे हैव डेवलप्ड। और जो पहला स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया दैट वाज इन 1938 जिसको वॉन अडर्नेन ने डेवलप किया। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के देखें तो जैसा हमने बताया कि यहाँ पे सोर्स जो इल्यूमिनेशन का था वहाँ पे हम लाइट ना यूज करके या आर्टिफिशियल लाइट ना यूज करके या फ्लोरोसेंस लाइट ना यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन्स लिया जिसकी वेवलेंथ और कम हो गई, और कम हो जाने की वजह से हमारी रेजोल्यूशंस बढ़ रही थी। तो यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स देखने को मिल रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। अगर हम कंपेयर करें बिफोर मूविंग टू दिस लाइट माइक्रोस्कोप्स, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स
और स्कैनिंग का, तो इन तीनों को लाइट सोर्स रहेगी, यहाँ पे लाइट रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, और यहाँ पे कैथोड ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी देंगे। स्पेसिमेन कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर यहाँ पे लेंसेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस है। तो ये एक डिफरेंस दोनों में आ गया। जो स्पेसिमेन है यहाँ पे हम सीधे लाइव भी स्पेसिमेन देख सकते हैं, जैसे हमने स्टूडियो में या फेस कंट्रास्ट वगैरह में केस में देखा, लेकिन इन दोनों केस में हमें डिफरेंट प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, तो हमें लाइव ऑब्जेक्ट्स देखने को या लाइव एनिमल्स का सेल्स का हम नहीं कर पाएंगे। जो आईपीसीएस है यहाँ पे भी प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम देखेंगे, और स्कैनिंग में हम कैथोड रे ट्यूब यूज करेंगे, एक टीवी स्क्रीन जैसा होगा, आगे हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि हाउ सिंपल इट इज, उस पर सीआरटी ट्यूब के मदद से स्क्रीन पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे देखें तो उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने एक स्लाइड आपके लिए दी है कि इलेक्ट्रॉन का जो जनरेशन है, अगर टंगस्टन वायर हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसको हाई वोल्टेज पे हीट अप करते हैं, सपोज से फॉर एग्जांपल 60,000 वोल्ट पे, तो जितना वो हीट अप होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा है कि अगर हम 30,000 वोल्ट पे हीट करते हैं तो हमें इतना डेप्थ का मिलेगा, अगर हम 15 पे करते हैं तो ये, इस तरह से जितना कम करेंगे उतना हमें कम देखने को मिलेगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सिंप्लीफाई करें तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या, जैसे एक टीवी स्क्रीन है और एक डिटेक्टर होता है, हम एंटीना लगाते हैं, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं और वो हमें डिस्प्ले हो जाता है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है। जो फिलामेंट है टंगस्टन का, उसको हम हीटअप करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंसेस हैं, जो कंडेंसर और लेंसेस हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर फैशन में डेविएट करेंगे, मूव कराएंगे, और उसको हम स्टेज पे लेंगे और वहाँ पे डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करके हम उसकी इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। तो बिल्कुल टीवी की तरह ही एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स है। रेजोल्यूशन जैसा हमने वहाँ पे देखा, यहाँ पे भी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे रेजोल्यूशन के लिए, चूंकि हम वेवलेंथ विवगार रेंज में नहीं यूज कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे वेरी करता है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई वी, वी फॉर वोल्टेज। तो जितना हमारा वोल्टेज रहेगा उसी हिसाब से हम इसका रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। ये कुछ इमेजेस हमने लिए हैं जस्ट टू कंपेयर विथ ऑप्टिकल वन। ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल। स्कैनिंग में अगर हम कोई इमेज से किसी क्रिस्टल को देख रहे हैं तो हमें इस तरह से दिख रहा है, लेकिन वही चीज़ अगर हम स्कैनिंग पे देख रहे हैं तो हमें उसकी बनावट या पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी। या और दूसरे देखें कि अगर हम 50 माइक्रोमीटर पे कोई एक ब्राइट फील्ड में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है बेरियम टाइटेनेट ऑक्साइड का, BaTiO3, ये एक ऑक्साइड है, लेकिन जब हम स्कैनिंग में देखें तो ये क्रिस्टल किस फॉर्म में बना हुआ है वो हमें स्कैनिंग में दिख गया, जबकि हमें ब्राइट फील्ड में बिल्कुल कोई भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये एडवांटेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अगर हम मैग्निफिकेशन फिर से कंपेयर करें तो जैसा हमने दिया कि 1500 हम लोग प्रिंसिपली अचीव करते हैं, लेकिन यूजुअली हम वहाँ तक रीच नहीं कर पाते। सेम में इसकी डेप्थ है फील्ड, उससे भी ज़्यादा नैनोमीटर तक, और रेजोल्यूशन 1.5 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर तक प्रिंसिपली हम अचीव कर पाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जाएँ तो
जब इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज डेवलप होती है, तब तक वोल्टेज अगर पूरा वैरी कर रहा है या दूसरे और फैक्टर्स हैं, वो जब एक इन टोटेलिटी देखते हैं तो वो हमें 1 नैनोमीटर न मिलते, 1.5 नैनोमीटर के आसपास का रेजोल्यूशंस मिलते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंसेस देख सकते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप देखें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन गन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि टंगस्टन वायर को किया तो एक पर्टिकुलर फैशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्ट कर सके। जो कंडेंसर्स हैं, जैसे हमने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट ना हो, एक पर्टिकुलर फैशन में ही आगे बढ़े, इसलिए ज़रूरी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। जो प्रोजेक्टिव सिस्टम है उसमें हम प्रोजेक्टिव लेंसेस वो भी वेव के थ्रू ही देख सकते हैं, और अपर्चर हम उसी हिसाब से उसको डिफाइन करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखें तो यहाँ पे एक हमने इमेज लिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ब्लड सेल्स को देखें, जो कि हमें लाइट में नहीं दिखेगी, तो हमें डिस्क शेप RBCs बहुत अच्छे से दिखेंगे। अगर हम किसी स्टीम सेल्स को देख रहे हैं वो भी दिख जाएंगे, या हम किसी बड़े ऑर्गेनिज्म से ड्रोसोफिला फ्लाई एक इंसेक्ट्स है उसके हेड को देखें तो ब्रिसल्स और बाकी स्ट्रक्चर्स हमें जो फाइन डिटेल्स हैं जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिख पा रहे थे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे हम ब्राइट फील्ड में टिश्यू को फिक्स करते हैं या स्टेन करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पे भी फिक्सेटिव्स वगैरह यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिक्सेटिव्स हम यूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन या उसके लिए यूज होने चाहिए। तो सेक्शन एक तो हमें पतला होना चाहिए, दूसरा जो फिक्सेटिव्स है वो सिंपल फिक्सेटिव्स ना हो के हैवी मेटल्स का होगा या ग्लूटराल्डिहाइड, ये हम यूज करते हैं। साल प्रेजर यूज करते हैं माइक्रोटोमी के लिए, सो दैट कि हमको बहुत फाइन सेक्शंस मिल जाए, उसको हम लोग अल्ट्रा माइक्रोटोमी बोलते हैं। और ये अवॉइड भी करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्रश ना हो। फिर हम उसको ग्लूटराल्डिहाइड में माउंट करते हैं, फिक्स करते हैं, सो दैट कि उसकी इमेज डिस्टॉर्ट ना हो या ऑब्जेक्ट या वो सैंपल हमारा ख़राब ना हो। और फिर उसके बाद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में फिक्स करते हैं ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन की स्केटरिंग प्रॉपर हो सके, तभी तो हमें इमेज देखने को मिलेगी। उसी तरह टिश्यू प्रिपरेशन में हमें डिहाइड्रेशन जाना होगा। एम्बेडिंग करने के लिए हम वैक्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन से हम करेंगे जरा सा हीटिंग इफेक्ट या कुछ आएगी तो वो मेल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम रेजिन्स या स्पेशल काइंड के प्लास्टिक्स, इपॉक्सी, वो यूज करेंगे। सेक्शंस काटने के बाद हम उसको स्टेन करते हैं टॉलिडिन ब्लू में या कोई भी और हैवी मेटल का जो हमारे पास स्टेन है उससे। थिन सेक्शन होना चाहिए जैसे हमने बताया। फिर उसके बाद उसकी स्टेनिंग के लिए हम यूरेनियम एसिटेट या लेड सिस्टेट जो हैवी मेटल्स हैं उनसे करते हैं। यहाँ पे ब्राइट फील्ड के कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ पे हम कॉपर का ग्रीड यूज करते हैं, ट्विजर, जिस पे हम सेक्शंस को रखते हैं या स्टेन करने के बाद उसको अंदर की तरफ ट्रांसमिशन या इलेक्ट्रॉन सॉरी टेम में हम उसको ट्विजर की मदद से इसको रखते हैं। तो यहाँ पे लाइन इलेक्ट्रॉन्स का फॉल होगा और फिर वो इमेज हमें देखने को मिलेगी। तो ये कॉपर ग्रिड है, इसमें दो तरह के कर सकते हैं हम, एक तो ऑब्जेक्ट को भी स्टेन कर सकते हैं, या अगर हमें निगेटिव स्टेनिंग करनी है तो हम ग्रिड को स्टेन करेंगे यूरेनियम टेट्राऑक्साइड से या किसी और ऑब्जेक्ट से, और वो फिर जैसे डार्क फील्ड में था वो उस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग करेगा और बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इल्यूमिनेट होगा, तो और फाइन डिटेल्स मिलेगा, इसको नेगेटिव स्टेनिंग्स बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। थैंक यू।